वेलकम टू अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल पे जिसका नाम है ज्ञान फॉर डे। तो आज मैं कुछ करने वाला हूँ इंटरेस्टिंग, जैसे कि कंपैरिजन होगा दो स्मार्ट बैंड के बीच में। तो सबसे पहले जो मैं अभी फिलहाल यूज़ कर रहा हूँ वो है MI बैंड 3, और जो सबसे पहले मेरे पास था लिनोवो का HW01 जो बैंड, वो दोनों के बैच में बैंड में कंपैरिजन करूंगा। तो क्योंकि कंपैरिजन वीडियो से आपको पता चलता है कि कौन सा बैंड अच्छा है, कौन सा लेने लायक है, या फिर कौन सा ज़्यादा यूजेबल है, और कौन सा मतलब उसके क्या क्या फीचर्स है। तो ये वीडियो आपका सारा जो कन्फ्यूजन है कि कौन सा बैंड खरीदे या फिर कैसा बैंड होना चाहिए, वो सारी आपका जो कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाएगा। तो ये वीडियो आप आखिर तक देखते रहिए। मेरा नाम है सचिन और आप देख रहे हैं ज्ञान फॉर डे। तो चलिए वीडियो को आगे शुरू करता हूँ। तो बात करूँगा कि जो दोनों बैंड है वो काफ़ी अच्छे और काफ़ी लुक प्रीमियम है, प्राइस परस्पेक्टिव सारी जो डिटेल है उसकी बात करूँगा। तो आप ये वीडियो आखिर तक देखते रहिए। और उसमें और एक अच्छी बात है कि अगर आप नीचे दिए लाल बटन को क्लिक करते हैं तो आपको ऐसी वीडियो काफ़ी सारी देखने मिल जाएगी। तो चलिए सबसे पहले तो दोनों बैंड की मैं आपको डिटेलिंग बता देता हूँ। तो जैसे कि ये है MI बैंड 3 और ये है लिनोवो HW01। तो जैसे कि ये प्लस मतलब नॉर्मल लिनोवो का है, तो दोनों की प्राइसिंग बता देता हूँ। तो लिनोवो HW01 की प्राइसिंग है आपको ये अप्रॉक्स 1500 में मिल जाएगा, और जो है MI बैंड 3 उसकी इंडिया में अभी तक ये लॉन्च हुआ नहीं, पर अगर आप ऑर्डर करना चाहते तो गियर बेस्ड या फिर जो ऐसी इंटरनेशनल जो ब्रांड है गियर बेस्ड है, उसके बाद आप बात करूँगा Banggood.com, तो वहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं। तो उसका ये आपको मिलेगा अप्रॉक्स 2300 रुपीज़ में। तो प्राइसिंग डिफरेंस है काफ़ी सारा, काफ़ी सारे फीचर डिफरेंस भी है। तो मैं सारे जो है पर्सपेक्टिव से बात करूंगा। तो ये इसकी जो ब्रांडिंग है वो है लेनोवो का और ये है MI Xiaomi का बैंड। अगले वीडियो को आगे बढ़ाते हुए बात करूंगा। तो सबसे पहले आपको जब भी आप बैंड परचेस करते तो बॉक्स के अंदर क्या क्या कंटेंट मिलते हैं, तो आपको उसमें यूजर मैनुअल, जो USB चार्ज है और जो बैंड है वो मिलता है। तो बात करूंगा अगर MI बैंड 3 की, मैंने अनबॉक्सिंग ऑलरेडी मेरे चैनल पर डाल दी है, तो यहाँ पर आपको लिंक आ जाएगा, तो उस पर जाके आप चेक कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट होता है, मतलब आपको अगर बैंड कितना टाइम चार्ज, मतलब वो कितना दिन आप यूज़ कर सकते हैं, मतलब इसकी जो चार्जिंग कैपेसिटी है वो कैसी है। तो MI बैंड 3 की जो चार्जिंग कैपेसिटी जो कंपनी ने बताई आपको 20 डेज की है, पर अगर आप नॉर्मली फुल फीचर्स यूज़ करते हैं, जैसे कि आपको इसमें जो जो फीचर्स मिलते हैं सारे एक्टिवेट कर देते, तो उतनी आपको नहीं मिलेगी, 7 दिन की मिलती है जो मैंने यूज़ किया है एज़ पर माई यूजेस मैं आपको बता रहा हूँ। और अगर लिनोवो की बात करेंगे तो आपको वो भी अप्रॉक्स 7 to 8 डेज ही जाता है बैटरी अगर आप फुल फीचर यूज़ करते हैं। तो चलिए अभी फीचर्स के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करूँगा लिनोवो के फीचर्स के बारे में, लिनोवो HW01 के फीचर्स के बारे में। तो ये काफ़ी लुक प्रीमियम दिया है बैंड का, काफ़ी सारे मतलब ये पूरा टोटल डिजिटल है। उसके अंदर आपको जो टच स्क्रीन है वो एक सिंगल पॉइंट पे टच स्क्रीन है, मतलब एक बटन है उस पर आप टच कर सकते हैं, फुल बैंड टच स्क्रीन नहीं है। तो आगे बात करूंगा कि इसके अंदर आपको क्या क्या मतलब फीचर्स मिलते हैं। तो सबसे पहले बात करूंगा कैलोरी इंटेक कितने बर्न किया है अपने, वो फीचर्स है। उसके बाद स्टेप काउंट है, रनिंग जो अपने कर रहे हैं वो, हार्ट रेट है 24/7 ऑनलाइन हार्ट रेट रहता है। और इसके अंदर जो बाकी के जो नॉर्मल फीचर्स है, जैसे कि आपको सोशल मीडिया जो भी ऐप है, व्हाट्सअप, ट्विटर या फिर फेसबुक, उसके सारे नोटिफिकेशन आ जाते हैं। तो अभी बात करूंगा सबसे पहले MI बैंड 3 के फीचर्स के बारे में। तो मेरे को जो सबसे अच्छा और इंटरेस्टिंग फीचर लगा वो है नोटिफिकेशन का फीचर। जैसे कि आप अगर नोटिफिकेशन नॉर्मली लिनोवो की बात करेंगे तो उसमें आपको सिर्फ वो नोटिफिकेशन आइकन दिखाता है कि आपको व्हाट्सएप से मैसेज आया है, या फिर जो जनरली है आपको उतना पूरा मैसेज नहीं दिखाता है। तो इसमें कैसे आप पूरा मैसेज इसमें आप रीड कर सकते हैं, पूरा मैसेज चेक कर सकते हैं क्या क्या इसमें, मतलब क्या मैसेज आया है क्या। सिर्फ एक प्रॉब्लम है कि रिप्लाई नहीं कर सकते, वो अगर आता तो बाकी सारे वॉच की आपको ज़रूरत नहीं पड़ती थी। पर ये हाँ काफ़ी इंटरेस्टिंग फीचर है, काफ़ी मेरे को अच्छा लगा है फीचर्स। और बाकी बात करेंगे इसमें कैलोरी इंटेक और बर्न जो अपने के वो भी है, उसके बाद हार्ट रेट मॉनिटर है। और बात करूँगा कि टच स्क्रीन है, ये फुल बैंड जो है आपको टच स्क्रीन मिलेगा, और उसके और सारे स्टेप काउंट है, रनिंग है, उसके बाद हार्ट रेट मॉनिटर 24/7 है। और ये जो दोनों बैंड जो कनेक्ट होते हैं ब्लूटूथ 4.1 वर्जन पे कनेक्ट होते हैं, उसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो एकदम मजबूत है। और उसके बाद बात करूँगा जो रबर स्ट्रिप है, उसकी जो स्ट्रिप है वो सिलिकॉन की है। तो काफ़ी सारे जैसे कि मिड रेंज में ये दो ऑप्शन आपको अच्छे रहेंगे, या फिर जो अगर बाय करने हैं तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दोनों की दे दी है, तो वहाँ से आप बाय कर सकते हैं। तो काफ़ी ये दो बैंड जो मेरे को काफ़ी अच्छे लगे और मैंने खुद यूज़ करके आपको ये रिव्यू दे रहा हूँ, तो काफ़ी अच्छे ब्रांड है। अगर आप बाय करना चाहते दोनों में से एक, तो मेरी तरफ से आपको थम्सअप है। तो आगे बात करूँगा कि कौन सा बैंड आपको प्रेफर रहेगा।
तो अगर आप मतलब अगर नॉर्मली धूप में यूज़ करते हैं या फिर अगर सन में मॉर्निंग में यूज़ करोगे तो लिनोवो जो HW01 का बैंड है उसमें आपको प्रॉब्लम ये होगी कि वो उसका डिस्प्ले जो ब्राइटनेस है ऑटोमेटिक नहीं है, जो प्लस अगर आप लेते हैं तो उसमें आपको ऑटो ब्राइटनेस आ जाती है। तो अगर बात करूँगा MI बैंड 3 की तो उसमें आपको ऑटो ब्राइटनेस है तो आपको उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये इसका प्लस पॉइंट है अगर बाय करते हैं MI बैंड 3 की। तो अभी आपको क्वेश्चन ये होगा कि कौन सा बैंड है वो बाय करना चाहिए। तो मेरी तरफ से जो पर्सनल ओपिनियन है, मैं जैसे कि यूज़ करने के बाद बता रहा हूँ, तो मैं आपको श्योर शॉट कहूँगा कि आप MI बैंड 3 के लिए जा सकते हैं, वो ले सकते हैं। पर इंडिया में अभी अवेलेबल नहीं है, पर आप ऑर्डर करके ला सकते हैं। तो सिर्फ आपको इंडियन वारंटी मतलब वो जो चीज़ें हैं वो मिलेगी नहीं, वो एक माइनस पॉइंट है। पर अगर आप वेट करते हैं तो थोड़ा वो आ जाएगा इंडिया में भी, क्योंकि लिनोवो का जो है मुझे बैंड अच्छा लगा, उसके कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर उसका जो फीचर्स है या फिर बात करूँगा जो मैसेज के नोटिफिकेशन का फीचर्स है वो अच्छा नहीं लगा, और प्लस जो ऑटो ब्राइटनेस है उसका प्रॉब्लम है। तो ये दो प्रॉब्लम है। बैटरी की बात करूँगा तो दोनों बैंड की बैटरी लाइफ एक नंबर है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आज तक के लिए वीडियो इतना ही था। ये कंपैरिजन वीडियो आपको अगर अच्छी लगती है तो एक लाइक कर दीजिए, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ नीचे दिए गए लाल बटन पे क्लिक कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दीजिए, क्योंकि आपको ऐसी ढेर सारी वीडियो मैं हर डे या फिर लाता रहूँगा। और अभी जैसे कि मैंने सीरीज चालू कर दी है कि हर वीक में आपको एक टेक अपडेट मिलता रहेगा, वीकेंड का मतलब जो पूरे हफ्ते भर में जो भी टेक अपडेट आए हैं उसमें आपको वो मिल जाएंगे। तो चलिए आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।